हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग विकास जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. हेलो स्टूडेंट, आवाज क्लियर आ रही है ना सबको? कोई डबल साउंड ऐसा तो नहीं आ रहा है? इमेज क्लियर दिख रही है? एकदम अच्छे से क्लियर है ना? कोई डबल इमेज नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आवाज क्लियर नहीं आ रही हो. आई एम एब्सोल्युटली फाइन विकास जी. नूरी जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आप कल की क्लास में नहीं थे नूरी जी. चलिए चलिए चलिए, कल का जो हमारा पार्ट थे पांच जो है वो बिल्कुल, पांचों क्वेश्चंस आपको एकदम एब्सोल्युटली क्लियर होंगे. आपका सभी का मैं स्वागत करता हूँ. एक बार ग्रेड अप पर सही प्रेप है तो लाइफ सेट है. आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है आज मैं लेकर आया हूँ ग्रेड अप पर, और आप लोगों के लिए सबसे बेहतर मौका रहेगा कि आप लोग जो है ग्रेड अप के साथ जुड़कर इस बार जो आपका स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम है, चाहे वो एमपीपीएससी हो या किसी भी पर्टिकुलर पीएससी के एग्जामिनेशन हो, ठीक है ना, वो आप लोग जो है अच्छे से क्लियर कर पाएँ, ठीक है. और जो लोग मेरे साथ यूट्यूब पर जो है जुड़े हुए हैं उन्हें भी एक बार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. और आप सभी लोग जो है सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को. ऐप पर भी जो है वो भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को जो है. प्रिंसी जी, राधे राधे. बिल्कुल कल शाम की क्लास नहीं हुई. हाँ विकास जी, कुछ रीजंस की वजह से अभी फ़िलहाल जो है हमारे शाम की क्लास का डेट शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पर हम रेगुलर मिलेंगे, है ना. मेरे को थोड़ी देर पहले ही पता चला था क्लास से पहले कि अभी जो है वो शिफ्ट, अभी वो जो है टाइमिंग उसका फिक्स नहीं हुआ डेट. तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है टॉपिक्स जो है हमारे वो क्लियर करेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे. इसी पर्टिकुलर पार्ट में जितने भी पॉलिटी के पार्ट आएंगे उसमें हम टॉपिक करते रहेंगे, जैसे हमने कल की शुरुआत की थी. और आज मैं कुछ और ट्रिक्स लेके आया हूँ ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जो है आसान बना रहे ये पार्ट, ठीक है ना. मेरे बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू है, आप यहाँ से देख सकते हैं. और इवन ज़्यादा कुछ खास नहीं किया है, नॉर्मली जो है बच्चों को पढ़ाया है और उनको गाइड किया है उनके ड्रीम्स की तरफ, ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके. मैं जो हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए हूँ, ठीक है ना. गुड मॉर्निंग रुचिका जी. नहीं कोई बात नहीं नूरी जी, बस ट्राई करिए कि आप लोग जो है टाइम टू टाइम आए, ताकि आप ही का फायदा हो, ऐसा नहीं हो कि कोई टॉपिक रह जाए. क्योंकि हम यहाँ ना एग्जाम को क्लियर करने की स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस करते हैं, ना कि हम जो है ये डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या है. वो तो कहीं भी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना. आपके एग्जाम्स की अगर डेट की बात करें तो ये आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू है कि लगभग लगभग आपके जो रेस्पेक्टिव एग्जाम है, चाहे आप किसी भी स्टेट पीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कितने बचे, और ये टारगेट आपके माइंड में बिल्कुल होना चाहिए ताकि आप लोग जो है बिल्कुल अच्छी से प्रिपेयर कर सके एक टारगेट को सेट करते. वे कनक देशमुख जी जुड़ चुकी है यूट्यूब पर, प्राची जी जुड़ चुकी है, सना प्रवीण जी, सभी को बहुत बहुत स्वागत है ग्रेड अप पर, और सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. ग्रेड अप के साथ अगर आप जुड़ते हैं और ग्रेड अप का जो हमारा प्रिपरेशन करते हैं, तो चाहे वो आप किसी भी स्टेट पीएससी से जुड़े हुए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको ग्रेड अप के साथ जुड़ने पर मिलता है 200 से ज़्यादा लाइव क्लासेस का एक्सपीरियंस, उसके साथ उन लेक्चर्स के ही पीडीएफ नोट्स, मॉक सेशंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस. इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे कि एग्जामिनर भी सोचेगा कि आखिर स्टूडेंट्स को पूछूं क्या, उसे पहले से आता ही आता है ये सब चीज़ें, ठीक है ना जी. प्रिंसी जी, मेरी क्लास इसी टाइम होती है, बस आपको अगर मेरे साथ और बाकी जो एक्सपर्ट फैकल्टी है हमारा जी, उनके साथ एक बेटर कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है, बेटर डिस्कशन एस्टैब्लिश कर रहा है, कोई डाउट आता है, कोई एग्जाम में प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तब आप जो है अपना हमारा जो एक सुपर प्लान है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं. अपना रेस्पेक्टिव जो भी स्टेट पीएससी का एग्जाम है वो सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये तीन प्रोग्राम्स है. मैं रिकमेंड करूंगा इसे ताकि पूरे साल भर आप जुड़े रहे, ठीक है ना. उसके बाद आपको एक कूपन अप्लाई करना. वो कूपन क्या है, ग्रेड अप आपके लिए लेके आया एक सुपर सेविंग मार्क्स का ऑफर, जिसमें आपको अगर आप ये कोड यूज करते हैं सेवर का, तब आपको जो है 30% डिस्काउंट के साथ साथ 40% का जो है एक्स्ट्रा जो है डिस्काउंट मिलता है. यानी कि अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तब आप अगर मान लीजिए 10,000 का आपका हमारा अगर कोर्स है, तो 30% डिस्काउंट अगर इस पर मैं अप्लाई करता हूँ तो ये 7,000 तो डायरेक्टली हो जाता है. और उसके बाद ये कोड लगाने से, सेवर का कोड लगाने से, आप लोगों का ये जो प्राइसिंग है 40% एक्स्ट्रा होके 4,100 से
4200 के आसपास आ जाता है। पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ आपको लगभग 4000 रुपये खर्च करने हैं, लेकिन उससे साथ आपको उससे मिलेगा क्या है कि जितनी भी हमारी पहले से जो रनिंग क्लासेस है और आने वाली क्लासेस, उन सबका एक्सेस मिलेगा आपको। आपका स्टडी प्लान बिल्कुल क्लियर होगा, आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़ के पढ़ना है, ठीक है ना। सिर्फ हमारे साथ जुड़ के जो है पढ़ना है आप लोगों को, है ना। किसी तरह की आपको चिंता नहीं करनी कि क्या रह जाएगा, कैसे पढ़ाना, वो हमें करना, और हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टीज है ना, वो आप हमारी लाइव क्लासेस लेके आप देख ही रहे कि कितने अच्छे से वो आपको पढ़ाते हैं। स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, इसके साथ में मॉक टेस्ट और क्विजेस भी आपके साथ होंगे। कोर्सेज से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह की एक्स्ट्रा जो नॉलेज चाहिए, वो आप हमारे काउंसलर से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वो सारी के सारी जो है नॉलेज दे देंगे। सिर्फ मोहम्मद अनस जी पूछ रहे हैं कि सिर्फ प्लीज क्वेश्चंस बैंक बुक सजेस्ट कर लीजिए, एनी। देखिए मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको चीज बताता हूँ, क्वेश्चन बैंक्स मत लीजिए ना। क्वेश्चन बैंक का कोई बुक लेने का एक्चुअल में कोई फायदा नहीं होता है, फैक्ट बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे इतने मॉक टेस्ट कराते हैं और इतने आपको क्विजेस देंगे, क्वेश्चंस लेक्चर्स के साथ हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि आपको किसी तरह की क्वेश्चन बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हाँ, आप एक चीज जरूर कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो पढ़ सकते हैं, और वो मैं आपको यहाँ पढ़ा ही रहा हूँ, और अगर हमारी जो फैकल्टी है वो पढ़ाई रही है, फैक्ट बता रहा हूँ खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से। मैंने 4 बार के यूपीएससी इंटरव्यूज दिए, लेकिन मैंने कभी भी कोई क्वेश्चन बैंक उठा के नहीं देखा। कोई फायदा नहीं होता क्वेश्चन बैंक का, ठीक है ना। आप बस एक प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। नूरी जी बोल रहे हैं सर बफरिंग इशू हो रहा है, बफरिंग इशू हो रहा है, अभी देख लेते हैं। जरूरी जी, अभी तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि अभी फिलहाल सही आ रहा है, देखें। फिर भी मैं एक बार टेक्निकल टीम से जो है बोलूंगा कि एक बार चेक कर ले वो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बट मुझे जो है ऐप पे सही नज़र आ रहा है, ठीक ना। तो ये आपको फायदा होता है हमारे जो है ग्रेडअप का सुपर प्लान लेने से। और आप सेशन को जो है अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें बेटर लगी आपको, और उसमें अगर कोई सुधार की आवश्यकता है तो जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि इस फ्री एजुकेशन के इनिशिएटिव का फायदा जो है आपके फ्रेंड्स और आपके फैमिली मेंबर्स भी उठा सके। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जब भी मेरा जो क्लास आए या और अदर क्लासेज जो हमारा आए, टाइम टू टाइम आपके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, और कल ही मैं आपको जो है ये चीज़ दे चुका हूँ, ठीक है ना। पीडीएफ कैसे मिलेगा सना परवीन जी, कल मैंने आपको एक बताया था, सना परवीन जी टेलीग्राम का लिंक वहां से भी अवेलेबल हो जाएगा। और आपके पास अगर ग्रेडअप का ऐप अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रेडअप का ऐप अवेलेबल कर सकते हैं। तो उसमें जब हमारी आप ये क्लास जो है सर्च करेंगे, तब सना जी उसमें आपको जो है पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है मिल जाता है ना। तो जो मैं क्लास में आपको मटेरियल दूंगा और जो मैं पढ़ाऊंगा, वो ऐसा कैसा आपको जो है अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, ये पूरा आपको जो है हर मैं इसमें रखूंगा आप लोगों के लिए, हर पीपीटी में जब तक मैं जो है ये पेपर करा रहा हूँ, एनालिसिस आपके पास भी होना चाहिए कि किस तरह से किस सेगमेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आप लोग जो है अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, है ना। और चाहे आप किसी भी बोर्ड से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको अपने लिए भी सेल्फ जो है इस तरह से बनाना। मैंने जो बनाया है ये एमपीपीएससी के लिए जो है पूरा रिपोर्ट बनाया है, कि और कल मैंने बताया भी था कि किस तरह से जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। हेलो विक्रांत जी, स्वागत है आपका ग्रेडअप पर। तो अब हम जो है हमारे आज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर भी हम करेंगे इसके साथ, और हम जो है टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज रिलेटेड प्रोविजन हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9। जल्दी से बता दीजिए। रिंकी जी बता रही है डी, हरिओम जी बता रहे हैं डी, रिंकी जी बता रहे हैं हमें डी ऑप्शन बता रहे हैं। अदर भी बताइए जल्दी से, बाकी भी लोग हमारे साथ जुड़ रखे हैं। स्नेहा जी बता रही है डी, पंचायती राज से रिलेटेड जो है। काजल जी बता रहे हैं 7, मोहम्मद अनस जी डी। यूट्यूब पे देखे तो माउंटेन सक्सेस बता रहे हैं डी, सना प्रवीण जी डी, रोहित कुमार जी बता रहे हैं पार्ट 7, प्रियंका जी डी, रीना जी डी, सॉरी 9, अच्छा पार्ट 9, ठीक है। रीना जी, नूरी जी डी, विकास जी डी, जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है पार्ट आपका, यह आंसर सही है कि ये जो है किससे रिलेटेड है, पार्ट 9 से रिलेटेड है। पार्ट जो हमारा संविधान का पार्ट 9 है, जो कि जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा,
है ना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो पार्ट है हमारा वो नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा जो है ये जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन द्वारा ये पार्ट जोड़ा गया था। ये तो हमारा फैक्ट है जो क्लियर है ही है बिल्कुल हमारे लिए, ठीक है ना। अब इससे थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज की तरफ लेके चलते हैं। जल्दी से बता दिए, पार्ट 6 किससे रिलेटेड है? पार्ट 6, हाँ जी प्रियांशु अग्रवाल जी स्वागत है आपका, ग्रेड अपर डी आंसर है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम जो है सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर जो है डिस्कस नहीं करते हैं, हम जो है उसके रिलेटेड टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। तो बताइए पार्ट 6 किससे रिलेटेड था? विद 29 सब्जेक्ट मोहम्मद अनस जी। जी नहीं, ये जो पार्ट है ये राज्य सरकार से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? राज्य सरकार जो होती है ना, राज्य में किस तरह से जो है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उसका प्रावधान, का जो हमारा मंत्रिपरिषद होती है राज्य की उसके प्रावधान, ठीक है ना, हमारे जो राज्यपाल है उससे रिलेटेड सभी पार्ट जो है आपको किसमें मिलते हैं? ये पार्ट मिलते हैं पार्ट 6 के अंदर। अगर मैं पार्ट 8 की बात करूँ, ठीक है ना, किसकी बात करूँ? कोई बात नहीं अनस जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता ही रहा हूँ आप लोगों को, इसीलिए मैं यहाँ हूँ ताकि हम जो है एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पे पढ़ सके। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं चाहिए, ये कोई आंसर की तो आपको मिल जाएगी नेट पे कहीं भी क्वेश्चन पेपर का, ठीक है ना, बोर्ड खुद देता है स्टेट बोर्ड्स, ठीक है ना, जिसके भी एग्जाम होते हैं। तो पार्ट जो 8 है हमारा, वो पार्ट 8 जो है रिलेट करता है किससे? यूनियन टेरिटरी से। किससे रिलेट करता है? यूनियन टेरिटरी से हम अगर बोले संघ राज्य क्षेत्रों से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? संघ राज्य क्षेत्रों से, ठीक है ना, ये याद करते रहिए, नोट डाउन कर लीजिए और आपको लिखा हुआ मिलेगा भी, ठीक है ना, तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको आएगा नहीं। और अब एक टॉपिक बच जाता है पार्ट 7 ना, कोई बताएगा ये पार्ट 7 किससे रिलेट करता है? देखते हैं आपकी तैयारी जो है कितनी अच्छे से। पार्ट 7 जल्दी से बताइए, पार्ट 7 किससे रिलेटेड है? पार्ट 8 तो यूनियन टेरिटरी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, पार्ट 7 का बताइए, देखते हैं आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। यूट्यूब पे 16 लोग देख रहे हैं, जल्दी से शेयर कर दीजिए, देखो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो उनका बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट ही होने वाला है। रिंकी जी बता रहे हैं मूल अधिकार से पार्ट 8, ठीक है देखते हैं। विकास जी कह रहे हैं रिपील हो गया, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेशन शेयर करिए, ठीक है ना, और बस यहाँ क्लास में ध्यान दीजिए। प्रियांशु अग्रवाल जी बोल रहे हैं सेंटर स्टेट से, जी नहीं ये जो पार्ट है ये हटा दिया गया है, इसके अंदर जो आपके पहले जो भाग जो क क थे उसके जो राज्य थे हमारे, जो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर जो है, या फिर पॉलिटी का जब हमारे क्लासेस होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि पहले जो है संविधान निर्माण से पहले 4 भाग में जो है राज्यों का बांट रखा था, तो जो स्टार्टिंग के 2 भाग जो है वो इस पार्ट 7 में रिलेटेड थे। लेकिन उससे जो है 7वें संविधान संशोधन 1956, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 7वें संविधान संशोधन, हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना, 1956 के तहत जो इसे हटा दिया गया था। ये तो बात हो गया क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है ना, कोई ना कोई दिक्कत नहीं है। आकाश जी नमस्ते स्वागत है आपका ना, जी सनोनी जी ये रिपील कर दिया गया था, ये तो पार्ट हो गया इसका। अब इसमें बात बताइए, नेक्स्ट इसमें आगे चलते हैं, जब ओरिजिनल संविधान आया था, वास्तविक संविधान जब हमारा लागू हुआ था, तब इसके अंदर अनुच्छेदों की अगर हम बात करें, ठीक है, अनुच्छेदों की बात करें तो इसके अंदर थे 395 अनुच्छेद थे, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ अगर इसके भागों की बात करें तो उसमें जो है भाग कितने थे? 22 भाग थे। फिर अनुसूचियों की बात करें, किसकी बात करें? अनुसूची यानी कि शेड्यूल्स की बात करें तो कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल थे। ये किसमें था? ओरिजिनल जो है संविधान हमारा जब लागू हुआ था तब की बात कर रही है, ठीक है ना। बुरु जी कह रहे हैं सर मैं पहली बार क्लास ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बुरु जी, दिक्कत आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके सारे डाउट्स जो है हम यहाँ क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर वर्तमान में मैं बात करूँ तो इन अनुच्छेदों की जो संख्या है वो लगभग लगभग 460, अलग 465 कई बुक्स लिखती है ना, कुछ बुक्स जो है इसको 448 भी लिखती है, लेकिन हम लगभग लगभग मानते हैं, क्योंकि कई सारे जो है वर्तमान आज की तारीख में कई चीजें जो है हट गई और कुछ चीजें नहीं आ गई है। लेकिन अगर आपको ये सोचना है कि एग्जाम में वर्तमान का नंबर पूछेगा तो बिल्कुल नहीं पूछेगा ना, क्योंकि वो फिक्स भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम जिस मिनट जिस दिन वो जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे उस दिन का थोड़ी पूछ रहा है, एग्जामिनर ने तो पेपर कभी और बनाया है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये आपसे एग्जाम में नहीं आता है, जो पार्ट आता है वो आता है भाग कितने हैं। तो भाग एट परसेंट जो है एक्चुअल में नंबर में काउंट करूं मैं, अगर मैं सब पार्ट भी काउंट कर लेता हूँ तो 25 पार्ट है, ठीक है ना,
लेकिन अनुसूचियों का जो नंबर है वो कितना हो गया, 12 हो गया। क्लियर है आपको? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, 465 भी है, बिल्कुल, कुछ बुक्स कहती है 465 है, लेकिन ये नंबर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सरकार जो है टाइम टू टाइम जो है चेंजेस करती रहती है, ठीक ना? तो हमें लगभग याद रखना है कि भाई 460 के आसपास है, 448 भी सही नहीं कह सकते क्योंकि वो आज से 2 साल पहले की बात थी ना, 465 भी हम नहीं कह सकते क्योंकि जब ये अराउंड 6 महीने पुरानी बात है, तो हमें एक रफ आइडिया रखना है ना। ये नंबर जो है वर्तमान में चेंज आ गया है 12 अनुसूचियों का, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाला। अभी हम भाग की बात कर रहे हैं, एक्चुअली फाइनल नंबर बोले ना, जब फाइनल पार्ट पढ़ेंगे तो फाइनल पार्ट तो हमारा कितना 22 ही है अभी भी, और फाइनल जो आपका अनुच्छेद का नंबर है वो भी है ना 395 ही है, क्योंकि तो संविधान निर्माता ये नहीं चाहते थे कि जैसे जैसे नया ऐड होता जाएगा उसके अंदर तो क्या है आप नंबर चेंज होते रहे। वो जब नया ऐड करते थे उसके अंदर ए बी सी क ख ग ऐसे लगा के चेंज करते थे, है ना? तो फाइनल जो लास्ट जो पार्ट है उसका नंबर जो है 22 ही है, लेकिन उसके बीच में जो है एडिशन कर दिया गया नए पार्ट को, जैसे कि जो हमारे मूल कर्तव्य थे उसको 4 क के नाम से जोड़ दिया, ठीक है ना? सहकारी समितियों का वाला पार्ट था तो उसे जो है हमने फिर एक डिफरेंट नाम से जो है 9B बना के जोड़ दिया ना, इस तरह से जो है हम उसको 9A 9B ये करके ऐड करते गए। तो फाइनल जो टोटल नंबरिंग है वो 25 रही, लेकिन जो फाइनल पार्ट का जो भाग नंबर है वो 22 ही रहेगा, और अनुच्छेद के केस में भी यही है। ये तो ओवर भी हो गया पॉलिटिका, लेकिन अब 22 नाम दे रखे हैं, ये मैंने आपके लिए 22 नाम यहाँ लिख दिया, आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने यहाँ लिख दिया है, अनुच्छेदों के साथ लिख दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, ये मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए, आपको ये सब मिल जाएगा पीपीटी में, ठीक है ना? प्रॉब्लम जो हमें यहाँ डिस्कस करनी है, ये 22 नाम याद कैसे करेंगे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि 22 नाम याद कैसे करेंगे, तो शुरू हो जाइए, एक कहानी सुनते हैं, छोटी सी शॉर्ट स्टोरी सुनते हैं। एक बार क्या हुआ कि मैंने यूसी ब्राउजर में एफडी करवा ली, क्या कर ली, यूसी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, यूसी ब्राउजर में एफडी करवा ली। ध्यान से देखते रहिएगा, ये सब आपको मिलेगा। और एफडी करवा कर क्या कर गया यूसी ब्राउजर में, मैं फंस गया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? पहले कहानी सुना देता हूं, उसके बाद जो है आगे चलेंगे। फंस गया, मेरे पैसे डूब गए एफडी के। तब मुझे याद आई किसकी, घर की याद आ गई, और जब मुझे घर की याद आएगी तो मुझे घर जाना था। मेरा घर कहाँ था, मेरा घर था यूपी में, और यूपी आकर मैंने क्या कर दिया, बहुत सारा पैसा जो है वो बर्बाद कर दिया, खूब पैसा उड़ा दिया, जितना भी मेरे पास बचा था वो मैंने बर्बाद कर दिया ऐसो आराम में। मेरे को जो है धोखा मिलने पर भी क्या है, अक्ल नहीं आई अभी तक। लिख रहा है ना सबको, क्लियर? पहले कहानी सुन लो, फिर इस ट्रिक से कैसे जो है याद करना ये बताऊंगा। जब पैसा बर्बाद कर दिया तो अब मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना सर जो है वो फोड़ दिया। किससे फोड़ दिया, मैंने अपना सर जो है टेबल से फोड़ दिया, जो मेरे घर पे टेबल थी उससे जो है मैंने टेबल से जो है घर फोड़ मेरा सर फोड़ दिया। और तब मुझे ख्याल आया, सर फूटने के बाद दिमाग की जब लाइट लगी, कनक जी बोल रहे हैं एग्जाम में क्या कर रहे हैं सर, क्वेश्चन में क्या सही होगा, 25 या 22, 25 कनक जी, बिल्कुल 25 सही होगा। पहले ये स्टोरी सुन लेते हैं, फिर आपके डाउट के लिए भी मैं टाइम दूंगा, ठीक है ना? जब दिमाग की लाइट लगी तब मुझे ख्याल आया कि मेरा एक दोस्त है, उसकी कंपनी है क्या, मैट्स नाम की कंपनी है, और उस कंपनी में मुझे ना एक ई शॉप खरीदना चाहिए था। एक्चुअल में ये ई शॉप क्या होता है ना, एक इकोनॉमी की टर्म होती है, लेकिन हमें यहाँ पे एक ट्रिक बनाना था तो हमने इसको यूज कर लिया। कहानी वापस बता देता हूँ। नेहा जी गुड मॉर्निंग, टीना जी गुड मॉर्निंग, सर ये एमपी स्पेशल है क्या ओनली? देखिए मैं क्वेश्चन जरूर सॉल्व करा रहा हूँ एमपी के, लेकिन है ना मैं सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ क्या है, पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था छोटा सा, लेकिन मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि संविधान के अंदर जो है कितने अनुच्छेद थे वर्तमान में, और अभी पहले कितने थे, और अभी जो है आपको ये पार्ट्स कैसे याद करना है इसकी ट्रिक्स बता रहा हूँ। हम टॉपिक डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के साथ में, तो ये आप किसी भी बोर्ड से रिलेट करते हैं ना जूही जी, आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर नहीं करते, ठीक है ना? यूसी ब्राउजर में एफडी करवा कर फंस गए, है ना? और फिर क्या आ गई, घर की याद आ गई, और यूपी में आकर मैंने जो है, मेरा घर कहाँ था, यूपी में था, तो यूपी में आकर मैंने क्या कर दिया, मेरा बहुत सारा जो पैसा था वो मैंने कर दिया बर्बाद। पैसा बर्बाद करने के बाद फिर मैंने क्या किया, मेरा जो सर था वो मैंने फोड़ दिया। किससे फोड़ दिया, टेबल से फोड़ दिया, ठीक है ना? और फिर मेरे दिमाग की लाइट लगी और मुझे पता लगा कि मेरे एक दोस्त है जिसकी कंपनी है मैट्स, उसमें मुझे ई शॉप खरीदना चाहिए था। चलिए शुरू करते हैं ना। यू से क्या आता है, सबसे पहला पार्ट आता है,
यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ राज्य, संघ और उसके क्षेत्र, यू से, क्लियर? लिखते जाइए आप, नोट डाउन करते जाइए, ठीक है ना? मैंने आपके सामने लिख दिया है और मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि मैंने आपके लिए सारे पार्ट्स की लिस्ट भी बना दी है, लेकिन इस ट्रिक से कैसे याद करना है ये देखते रहिए। यू से क्या हो गया, पार्ट एक, यूनियन और उसकी टेरिटरी, जिसमें कितने अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 से 4, ठीक है? फिर आता है सी, ठीक है ना? यूसी का सी, सिटीजनशिप, नागरिकता से रिलेटेड है, ब्राउजर में, ये तो आपको बनाने के लिए था सिर्फ मेरा। फिर आता है एफ, एफ से क्या आता है, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, ठीक है ना? पार्ट नंबर 3, अनुच्छेद कितने, 12 से 35, क्लियर हो रहा है ना? फिर डी, डी से क्या आ जाता है आपका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्लियर? पार्ट जो है हमारा 4, करवा कर, इसका कोई सेंस नहीं यहाँ पर, फंस गए मैं, एफ जो है वो किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटी, पार्ट 4A, है ना, यानी कि मूल कर्तव्य, क्लियर? उसके बाद आता है पांचवा पार्ट यू, ठीक है ना, किससे रिलेटेड है, केंद्र सरकार, यूनियन से रिलेटेड है, यूनियन केंद्र सरकार से जितने भी पार्ट है वो सब इसके अंदर आएंगे। एस, पार्ट 6, ठीक है ना, सरकार किससे रिलेटेड है, राज्य सरकारों से, क्लियर? पहली लाइन में 6 पार्ट क्लियर हो गए, कोई डाउट किसी को, किसी को डाउट, फिर आगे चलते हैं, क्लियर है सभी एकदम? एफडी से रिपीट वापस बता देता हूं, यू से यूनियन, ठीक है ना, सी से सिटीजनशिप, एफ से फंडामेंटल राइट, डी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना? फिर वापस एफ आ गया, उससे क्या हो गया, वापस एफ से क्या आ गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर यूनियन, फिर स्टेट, क्लियर? सना जी को बिल्कुल क्लियर है, बाकी भी देख रहे हैं ना, बताइए, 20 लोग देख रहे हैं, क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं। अब मैं घर आ चुका हूं, और मेरा घर कहाँ था, यूपी में था, और यूपी में जब ये पहला यू आता है ये किससे रिलेटेड है, यूनियन से रिलेटेड है, संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है, पार्ट नंबर 7, क्लियर? 7 या 8, जल्दी बताइए, पार्ट नंबर 7 या 8, अभी बताया ना, 7 तो हटा दिया, ये पार्ट 8 है, ये एक आपका टर्निंग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, याद रखना अच्छे से। 7 तो हट गया ना, 6 यहां हो गए, 7 तो है नहीं, 8वां पार्ट यहाँ आ गया। उसके बाद आता है पी, पी से पंचायत, ठीक है ना, पार्ट 9, पी से पंचायत, पार्ट 9, क्लियर? फिर आता है एम, एम से म्यूनसिपैलिटीज, नगर पालिका, पार्ट 9A, ठीक है ना, पार्ट 9A, आकर पैसा बर्बाद कर दिया, और इसके लाइन का कोई सेंस नहीं है, और क्या किया, सर फोड़ लिया, क्या कर लिया, सर फोड़ लिया, सर का एस, एस किससे रिलेटेड है, शेड्यूल और ट्राइबल एरिया, जो कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है ना, उससे रिलेटेड है, पार्ट कौन सा, 10, पार्ट 10, चलिए। उसके बाद आर, एम, एम से वापस बताऊं, एम मतलब है यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज, नगर पालिका, ठीक ना, म्यूनसिपैलिटीज, नगर पालिका। एस का यहाँ पे मीनिंग है, एस से हम बात कर रहे हैं, एस का यहाँ मीनिंग है शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज, ठीक है ना, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। आर जो है वो है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी कि राज्य और केंद्र में संबंध। इसको याद करने का एक और तरीका है, 11 वाले पार्ट को याद करने का और तरीका है कि ये जो पार्ट था जो सेंटर से रिलेटेड था ये किस कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे, और स्टेट से रिलेटेड कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे, तो 5 प्लस 6 करता हो तो कितना होता है, 11, है ना? और ये भी नंबर कितना है, ये 11 नंबर है, एक ट्रिक के अंदर ट्रिक और भी है आपकी, क्लियर है? उसके बाद आता है आपका, आगे चलते हैं हम, ये फाइनेंस से रिलेटेड पार्ट है, पार्ट नंबर 12, फाइनेंस, है ना, जो वित्त होता है, वित्त से जितने भी वित्त से रिलेटेड काम है सरकारों के, वो उसमें रिलेटेड जो है बताया गया है पार्ट 12 में, है ना? सर फोड़ लिया, सिक्के एफ से, किससे फोड़ा था, टेबल से फोड़ा था, और ये व्यापार से रिलेटेड, व्यापार जितने भी करना है, वाणिज्य जो है उससे रिलेटेड पार्ट है, पार्ट नंबर 13, क्लियर? उसके बाद आता है से का एस, ये सर्विसेज जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो राज्यों की सर्विसेज हो, ये पार्ट नंबर 14 जो है ये किसको एस बता रहा है, पार्ट नंबर 14 को बता रहा है, क्लियर? उसके बाद आता है ई, ई से इलेक्शन, ई से क्या, इलेक्शन, जो निर्वाचन से संबंधित जितने भी पार्ट है वो। अब यहाँ पे मैंने जो है
थोड़ा रिवर्स चलना है, ये याद रखना है इस ट्रिक के अंदर, यहां से ना आपको रिवर्स की तरफ चलना है। क्लियर है ना यहां तक? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रिवर्स में कैसे? ये इस पहले हम ये एस ले रहे हैं, पहले हम क्या ले रहे हैं, इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को ले लेते हैं, एस को ले लेते हैं, या फिर एस को नहीं लेते तो चलो यहां से शुरू कर देता हूं, ठीक ना। ई, अगर आप से पूरा याद करना चाहते हैं तो भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका पार्ट नंबर 14 खत्म हो जाता है, 15 में यहां से भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ भी बनाइए तब भी चलेगा, यहाँ भी बनाइए तब भी चलेगा। ये बता रहा है किसको? पार्ट 15 को, इलेक्शन को, ठीक है ना। उसके बाद आता है एस। एस किसे बता रहा है? पार्ट नंबर 16 को, जो संविधान के अंदर कुछ जो क्लासेस हैं, जो कि जैसे कि अरुणाचल या फिर मेघालय इस एरिया में रहती है, उनके लिए जो विशेष जो प्रावधान है वो इस पार्ट 16 में दे रखा है, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लास, रिपीट फ्रॉम आर, आर से रिपीट, जब बिल्कुल करते हैं एक बार, इसको मैं क्लियर कर दूं, आप एक बार इससे जुड़ते रहिए, ठीक है ना। फिर आ रहा है ओ, है ना। ओ में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज, जो राजभाषा है उससे रिलेटेड पार्ट है ना, पार्ट नंबर 17। फिर है पी, पी से क्या आता है आपका? पी से बताएंगे कोई नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है आपका, इसी को साथ ले लेता हूँ। चलिए मैं पूरा का पूरा जो पार्ट है पी का, ये जो पूरा पार्ट है इसी के साथ रख लेता हूँ, इसको यहाँ नहीं लेके आता है। 18 को, 18 को हम कर लेते हैं शिफ्ट, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं है ना, एकदम क्लियर है। चलिए फिर मिसलेनियस वाले पार्ट जो है आपके इससे आ जाएगा, ठीक है ना। मिसलेनियस का जो पार्ट है वो इससे आ जाएगा, अमेंडमेंट से रिलेटेड का जो पार्ट है वो इससे आ जाएगा, ठीक है ना। पार्ट नंबर जो आपका है नेक्स्ट, अमेंडमेंट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो पार्ट 20 तक आ जाता है हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर टेम्पररी प्रोविजन जो है वो इसमें आ जाता है, और लास्ट जो आपका शॉर्ट टाइटल से रिलेटेड पार्ट है वो पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाता है। जी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिए मैंने लेटर्स हाईलाइट कर रखे हैं, उसी से आपको निकालना है, ठीक है ना। फटाफट से मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, कि यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड पार्ट जो है वो यू से आ जाता है, सी से बनता है सिटीजनशिप, एफ से बनता है फंडामेंटल राइट, डी से बनता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एफ से जो बन रहा है वो फंडामेंटल ड्यूटी, यू से यूनियन, एस से बन रहा है स्टेट। क्लियर? पार्ट 7 है नहीं, यू जो है आपका वो बना रहा है क्या, यूनियन टेरिटरी के बारे में, पी जो है पंचायत, फिर ना एम जो है म्यूनसिपैलिटीज की बात कर रहा है, और म्यूनसिपल इसके अंदर जो है आपका म्यूनसिपैलिटी वाला सारा पार्ट क्लियर हो जाता है, जिसके अंदर हम जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। ये पार्ट ऐड हो गया इसके अंदर। उसके बाद आता है एस, एस से आ रहा है आपका शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज ना, आर से रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, फिर आता है एफ जो कि फाइनेंस विथ से रिलेटेड है, फिर आता है टी जो कि ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड है, फिर आता है एस जो कि सर्विसेज, जो आपकी संघ राज्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड है ना। ई फिर आ जाता है आपका, और ई किससे रिलेटेड है? इलेक्शन से रिलेटेड है। फिर जो ई सॉप का जो एस है, वो ई सॉप का जो एस हमें बता रहा है बेसिकली, ये बता रहा है ई सॉप का एस हमें स्पेशल प्रोविजंस के बारे में, ठीक है ना। वो बता रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, और ई जो आपको बता रहा है नेक्स्ट ई, अगर ई आपने यहाँ पे लिख दिया है तो इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ताकि दो ई में आपको कन्फ्यूजन ना हो, और इस ई को बना देते हैं हम पार्ट 18। दो ई आ गए ना, तो ये नहीं हो कि आप ट्रिक में कुछ खुद कन्फ्यूज हो जाए। तो यहाँ पे जो है ई एक अलग ले लिया, और यहाँ पे जो है हमने ई किससे ले लिया, स्पेशल प्रोविजन से ले लिया। फिर आता है मैट्स का पार्ट, और मैट्स के पार्ट में जो एम है आपका वो मिसलेनियस से रिलेटेड है, अमेंडमेंट पार्ट नंबर 20 है, फिर आता है टी जो कि टेम्पररी प्रोविजन से रिलेटेड है, और फिर आता है एस जो कि शॉर्ट टाइटल से रिलेटेड है। क्लियर है सभी को? ये सभी कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको पीडीएफ में, कोई चिंता नहीं करें, अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट आपका रह गया है, ठीक ना, तो आपको ये सभी कुछ जो है लिखा हुआ मिलेगा। तो ये ट्रिक है बेसिकली, सभी को क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। मैंने वापस रिपीट किया है ना सना जी जस्ट अभी, आई होप कि आप सभी को ये चीज जो है अच्छे से क्लियर हुई होगी। ट्रिक मैंने आपको बता दिया है, वापस रिपीट कर दिया है मैंने आपको, और फिर भी अगर आपको बाई चांसली कोई डाउट आ जाता है तो एक बार क्लास के बाद जो ऐसे रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ताकि क्या है हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और सॉल्व कर पाए, ठीक है। ये आपका पूरा पार्ट क्लियर कर दिया, और ये मैंने लिस्ट यहाँ लगा दी है आप लोगों के लिए, लिखने की आपको कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की।
आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वाटरफॉल इज नॉट ऑन रिवर नर्मदा, निम्न में से कौन सा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर नहीं है? ठीक है, कपिल धारा, भालकुंड, दुग्ध धारा, बेड़ाघाट। जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए। ओनली 19 लोग ही देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। आंसर आने शुरू हो गए, बी 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 जरूर बी। यूट्यूब पे अगर हम देखें तो यूट्यूब पे आंसर बहुत कम आ रहे हैं, क्या दिक्कत है यूट्यूब पे? प्रियंका जी बी बता रही हैं, भावना जी भी बता रहे हैं, जूही जी बता रही है सी, दुग्ध धारा, माउंटेन सक्सेस बी। देखिए ऐप और यूट्यूब दोनों पर क्लास है, तो आप दोनों एक्टिव रहिए, तभी तो क्लास में मजा आएगा। क्योंकि तो इस सवाल के अंदर मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाने वाला हूँ जो कि एटलीस्ट फ्री क्लास में कोई नहीं बताता, फैक्ट है। हालांकि मैं जो आपका हमारा जो सुपर वाला क्लास है उसमें पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको मैं एक तरीका सिखाने वाला हूँ ताकि सेल्फ जो है आप खुद भी तैयार कर सके, और साथ ही साथ आप खुद देख सके कि फ्री क्लासेस में और जो हमारा सुपर कोर्स में उसमें मैं कितना बड़ा फर्क है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ना, आपको जो एक्स्ट्रा गाइडेंस मिलेगी वो एक्स्ट्रा गाइडेंस क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। और एक्स्ट्रा गाइडेंस जैसे मैं अभी पढ़ा भी रहा हूँ, है ना, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर करके मैं आगे बढ़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। जी आंसर है इसका बी, भालकुंड। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है सभी का जिन्होंने भी बी आंसर दिया है ना, भालकुंड इसका राइट आंसर है। अब आ जाओ बात करते हैं थोड़ी सी किसके बारे में, नर्मदा नदी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? नर्मदा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। नर्मदा नदी जो कि प्रायद्वीपीय जो पठार है हमारा, प्रायद्वीपीय जो भाग है, भूभाग है हमारा, उसमें पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में सबसे सबसे लंबी नदी है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक ना, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको सब कुछ, कोई चिंता नहीं, बस सुनते जाइए आप। अच्छे नोट बनाना चाहते हैं तो आपकी वो चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ऑलरेडी सब लिख दिया था कि आप मुझे ध्यान से सुने सिर्फ। नर्मदा नदी क्या है? जो प्रायद्वीपीय भूभाग है हमारा, ठीक है ना, उसमें पश्चिम की तरफ जितनी भी नदियां बहती है, यानी कि जो अरब सागर है हमारा, उसमें जितनी भी जो है नदियां गिरती है, उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना। जी बिल्कुल, नर्मदा नदी पर ही है, सिर्फ वो जो एक पार्ट था ना आपका ये बालकुंड, ये नहीं था, बाकी सभी नर्मदा नदी पर ही है अनस जी। अब अगर इसके मैं बात करूं इसका उद्गम स्थल, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल की बात करूं, तो ये कहाँ है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल? अमरकंटक जो प्लाटू है, अमरकंटक का जो पठार है, अमरकंटक पठार जो है, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ये इसका क्या है? उद्गम स्थल है। और डीप जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, जिला तहसील याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आपसे कोई नहीं पूछता, किसी भी पेपर में नहीं पूछा जाता ना, चाहे आप किसी भी बोर्ड से रिलेट करते हो, कोई भी नहीं पूछता। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से हमने मैप से स्टार्टिंग की है ना, और यहाँ पर क्या आ गया, इसका उद्गम स्रोत आ गया अमरकंटक पठार, अमरकंटक प्लाटू, जो कि एमपी में है। उसके बाद ये रिवर जो है फ्लो होती 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 मध्य प्रदेश से गुजरती है, उसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में ये बाउंड्री फॉर्म करती है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में एक बाउंड्री फॉर्म करते हुए ना ये कहाँ चली जाती है? गुजरात। और गुजरात से फिर कहाँ इसका एंड पॉइंट हो जाता है? ये कंबात की जो खाड़ी है, गल्फ ऑफ कॉम्बे बोले या गल्फ ऑफ कंबात बोले, यहाँ पे इसका जो क्या है एंड पॉइंट है ना, कहाँ गिरती है जाके? खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, खंबात की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। क्लियर है, खंबात की खाड़ी, कोई डाउट नहीं है। ये तो हो गया इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। चलिए अब इसके साथ देखिए, मैंने मैप में कुछ चीजें मार्क कर रखी है, ये सब मिलेगा आपको और आपको खुद भी ऐसे पढ़ना है। ये जो दो लाइनें देख रहे हो ना आप, ये डार्क वाली, ये वाली, ये क्या मैंने शो किया है यहाँ पे? माउंटेन रेंज शो किया है। ये जो पर्टिकुलर माउंटेन रेंज है जो आपको नॉर्थ की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं विंध्याचल रेंज। क्या बोलते हैं? विंध्याचल रेंज। विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है ना, ये विंध्याचल रेंज है यहाँ पे। क्लियर है, नॉर्थ के ऊपर जो है, और ये जो नीचे की तरफ आप जो ये देख रहे हैं, ये वाली जो साउथ में तरफ है, ये क्या है? सतपुड़ा है। क्या है ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा जो श्रेणी है हमारी वो। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से गुजरती है? ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर कर दिया है। नॉर्थ की तरफ जो है वो विंध्याचल है, और जो साउथ की तरफ है वो क्या है?
सतपुड़ा है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, एकदम अच्छे से क्लियर है। चलिए, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि भाई मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बीच में बाउंड्री बनी रही है, फिर महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में बाउंड्री बनती है, यानी कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये नदी। ये नदी जो है मेजरली तीन राज्यों से होकर गुजरती है, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, कोई डाउट, क्लियर है। चलिए अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो आता है धौलाधार, या धौलाधार नहीं बोलते इसको, चलो धुआंधार कर देते हैं, धुआंधार वाटरफॉल्स, धुआंधार फॉल्स, यानी कि जो दुग्ध धारा का जो पार्ट पड़ा था उसको धुआंधार फॉल्स अलग है ना, दुग्ध धारा वाला पार्ट अलग है, उसको कंफ्यूज नहीं करना है। कुछ बुक्स जो है उसको दुग्ध धारा जो है बोल रहे थे, धुआंधार जो फॉल्स है ये थोड़ा अलग पार्ट है। और ये कहाँ एस्टेब्लिश है, एमपी में, ये एस्टेब्लिश है जबलपुर में, क्लियर। ये कहाँ है, जबलपुर में, कभी गए हैं एमपी के लोग तो जरूर गए होंगे, बिल्कुल ना, एमपी के लोग तो जरूर गए होंगे। जी जी बिल्कुल, धुआंधार जबलपुर के पास, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ना, ब्रंज घाटी में बहने वाली नदी। हाँ ये ब्रंज घाटी, तो ये जो पार्ट है ना, ये दो नदियों के बीच में जो बनता है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, दो जो आपका ये जो आपके जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके बीच में जो फॉल्ट की वजह से जो वे बनता है उसको ब्रंज घाटी कहते हैं, ठीक ना। आसान भाषा में ऐसे ही समझना, पूरा ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में नहीं जाना है, ठीक ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी गया हूँ, मैं भी एमपी से नहीं हूँ लेकिन मैं जो है गया हूँ, लेकिन बहुत ही सुंदर जगह है। अब ये तो पार्ट हो गया इसका क्लियर, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है। मैप में मैंने कुछ और भी मार्किंग कर रखी है लेकिन उसको हम हॉचपॉच नहीं बनाते, नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है, फिर सबसे बड़ी बात आती है इसकी, क्या सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ बहुत सारी है, खूब है, भर भर के है, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कुछ चीज़ें याद करनी है, ठीक है ना, कुछ ही याद करना है एक्चुअल में। तो अगर मैं बात करूँ उत्तर की तरफ से, यानी कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना नदी के, ये जो पार्ट है यहाँ से मिलने वाले ना, उत्तर की तरफ से आने वाले एक वैली नदियों का बात करूं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी कर्म, हिरण, उसके बाद बरना, ध्यान से सुनते जाइए, लोहार और चौरल। अलग अलग बुक्स इसका जो है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग अलग करती है। और अगर मैं साउथ की तरफ से यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो गंजल, तवा, जो कि सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी भी है, सबसे लंबी सहायक नदी है नर्मदा की, दुल्ही, शक्कर और शेर। एग्जाम में जितने भी आपके अभी तक एग्जाम हुए हैं, हालांकि कुछ और भी है, ठीक ना, हाथनी नदी है जैसे कि, ठीक ना, ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियां है, भरनेर है ना, बंजार है ना, और सांग है, ये सब क्या है, इसकी नदियां है, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है, सहायक नदियां, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें ही याद करनी है। ये मैंने यहाँ लिख दिए, अब लिखी तो बुक में ही है, मैंने क्या अलग किया। चलिए बात करते हैं सबसे पहले नॉर्थ वाली नदियों का, किसकी बात करते हैं, नॉर्थ वाली नदियों का ट्रिक बताता हूं। कर्मा, कर्मा हीरा छुपा, कर्मा हीरा छुपा, ठीक है ना, बरना, लोहार, चूरा लेगा, बरना, कर्मा, हीरा छुपा, बरना, लोहार, चूरा लेगा। कर्मा से कर्म नदी या कर्मा नदी, हीरा से हिरण, छुपा का यहाँ कोई सेंस नहीं है, बरना जो है बरना नदी, लोहार से लोहार और चुरा से चौरल नदी, क्लियर है, कोई डाउट। जी जी बिल्कुल, कई सारी नदियां है, हम बस कुछ इंपॉर्टेंट्स को याद करने की मैं आपको ट्रिक बताना चाहता था ताकि आपका जो बर्डन है वो थोड़ा एग्जाम में कम हो जाए ना, इतने सारे नाम याद नहीं रख सकते ना, तो कुछ ट्रिक्स होनी चाहिए ताकि वो वर्डिंग से हमें याद हो जाए, क्लियर है, कोई डाउट। कर्मा से कर्म या कर्मा सहायक नदी, हीरा से हिरण, छुपा का कोई सेंस नहीं है, बरना से बरना, ठीक है ना, लोहार से लोहार और चुरा से चौरल, क्लियर। ये ट्रिक है और ये नदियों के नाम है, ठीक है ना, ये नदियों के नाम है और ये इसके लिए ट्रिक है। नेक्स्ट इसे याद कर लेते हैं,
गंगा जल तवा दूध, गंगा जल तवा दूध शक्कर लेकर लेके शहर चलो, गंगा जल तवा दूध शक्कर लेकर शहर चलो। क्लियर? कोई डाउट? गंगा जल से क्या हो गया? गंजल, तवा तवा नदी, दूध से दुल्ही, है ना, शक्कर से शक्कर है, ये लेकर का कोई सेंस नहीं है, शहर से शेर नदी, चलो का कोई सेंस नहीं है। ये हो गया आपकी राइट बैंक और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर है ना सभी को? यूट्यूब पर, ऐप पर, सभी को क्लियर है ना? अच्छे से पढ़ना है बस, मेहनत करके याद मैं आपको करा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। अब मैंने मार्किंग यहाँ कर रखी है, अगर सब क्लियर है तो इन 5 मार्किंग के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा जो है बता देना चाहूंगा कि ये 5 मार्किंग क्या शो कर रही है ना। ये 5 मार्किंग क्या शो कर रही है? सबसे पहला जो ये पार्ट है ना, ये डैम शो कर रही है, बता देता हूँ। जब भी मैं मार्किंग इस तरह से करूंगा, है ना, ये लाइंस बनाऊंगा, आपको याद रखना है ये डैम्स को शो कर रहा है, बांधों को शो कर रहा है। ये जो बांध है ये बार्की बांध है। कौन सा बांध है? नंबर 1 पर बांध है बार्की बांध है, ठीक है, बार्की। फिर आता है नंबर 2, यहाँ पे ये जो बांध है, इस बांध को हम कहेंगे इंदिरा सागर। क्या कहेंगे? इंदिरा सागर। तीसरा पार्ट, ये जो उसके वास्ट कंटिन्यूस में आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद ये जो पार्ट है आपका, ये मैंने यहाँ पे शायद बनने वाले ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ये सिर्फ एक सिंगल ही आएगा, ये नहीं आएगा, तीन, ये तीन एक साथ नहीं है, ठीक है ना, सिंगल ही आएगा। फिर जो आपका जो नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये कौन सा बांध है? ये है ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर, ये ओमकारेश्वर बांध है, और उसी के बगल में जो है वो है महेश्वर। क्लियर? ये सभी बांध कहाँ है? एमपी में, ये याद रखना है। और लास्ट जो आपको ये 5वां पार्ट दिख रहा है, ये कहाँ है? गुजरात में है, और ये कौन सा बांध है? ये है सरदार सरोवर। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध है, ठीक है ना। और सरदार सरोवर बारे में कोई विशेषता बताएंगे? कोई विशेषता बताएंगे सरदार सरोवर के बारे में? लिख लीजिएगा नोट्स में है, वैसे सिर्फ सुन लीजिए। सरदार सरोवर का जो ये बांध है, ये अपने जितना अपने अंदर जितनी भी जो है ये समा लेता है, पानी समाता है, इसको हम वॉल्यूम घनत्व कहते हैं, उसके हिसाब से दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट डैम, ठीक है ना, जितनी इसकी पानी संग्रहण की सब क्षमता है उसके अकॉर्डिंग जो है ये दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट डैम है। और इंदिरा सागर की जो हमने बात की थी, जो एमपी में है, ये गोविंद सागर जो हमारा रिजर्वायर है ना भाखड़ा डैम का, उसके बाद भारत का सबसे बड़ा रिजर्वायर है, ठीक है ना, सेकंड नंबर पे, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये सबसे बड़ा है और उसको फॉलो कौन करता है? गोविंद सागर डैम, सॉरी ना उल्टा कर दिया हमने इसको। ये जो इंदिरा सागर डैम है ये भारत का सबसे बड़ा रिजर्वायर है, ठीक ना, और उसको सेकंड नंबर पे कौन आता है? गोविंद सागर आता है। क्लियर है? ये नर्मदा नदी का पार्ट हो गया, और ये मैंने यहाँ पे आपको ये सभी कुछ लिख भी दिया है, ठीक है ना, ये सब कुछ लिख दिया है मैंने। मैंने वादा किया था एक नई ट्रिक बताने वाला हूँ, नई चीज, और ये वो नई चीज है। कभी आज तक देखिए जितना कुछ पिछले कुछ देर में पढ़ा है ना, सोचो मैंने सिर्फ एक इमेज में बना दिया। एग्जाम में नोट्स पढ़ने के बजाय अगर आप लोगों के सामने ऐसी एक इमेज हो तो आप खुद सोचे कि आपको कितना बड़ा बेनिफिट मिलेगा। खुद सोचिए आप कितना बड़ा बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को जब मैं आप लोगों को जो है इस तरह की इमेजेस प्रोवाइड करूंगा एग्जाम्स में, या फिर हमारे जो सुपर कोर्स है उसमें जो ये चीजें प्रोवाइड करूंगा, तो आप लोगों को कितना फायदा होगा। सब कुछ लिख दिया है, देखो सोर्स लिख दिया है, कहाँ गिरती है लिख दिया है, कितने राज्यों में जो है फैली है ये लिख दिया है, इसकी ट्रिब्यूटरीज लिख दी है, और इसकी फीचर भी लिख दी है, जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना इसके, वो सभी लिख दिए मैंने यहाँ पे। डैम्स भी आ गए हैं, और कुछ कुछ नदियों में क्या होता है, नेशनल पार्क्स भी निकलते हैं, आसपास से क्या होता है, नेशनल हाईवे भी निकलते हैं, तो वो सब भी मैंने अलग अलग बना रखे हैं। ये सब कुछ प्रिपेयर है आपको, बस मैं ये बताना चाहता था कि ग्रेड अप के सुपर में और
नॉर्मल फ्री क्लास में कितना फर्क होता है, ये मैं बेसिकली प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कई स्टूडेंट जो है कंसिस्टेंट है ना, और उनकी मेहनत देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उनको है ना उनके लिए ये ऐड किया है बेसिकली, कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और आप लोग जो है एग्ज़ाम को जो है अच्छे से क्लियर कर पाए। इसीलिए आपके लिए ये समझना है कि ये जो चीज़ है ना आपको कोई भी नहीं बताता है, ये जो पार्ट है इसकी सनाजी बोल रहा है इसका वर्डिंग छोटा है, ठीक है सनाजी, कल नेक्स्ट से हम जो है इसका क्या कहते हैं वर्डिंग थोड़ा और लैंग्वेज में बड़ा लेके आएंगे, ठीक है ना। ये सिर्फ नर्मदा नदी के केस में नहीं है, ये हर रिवर सिस्टम इवन हिमालयाज है ना पॉलिटी के जो हमारा पार्ट है उन सब के लिए बना रखे हैं, सभी के लिए पूरा का पूरा, आपका कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये सभी कुछ तैयार है। तो ये फर्क होता है नॉर्मल फ्री क्लास के अंदर और ग्रेडअप के सुपर के अंदर, सबसे बड़ा फर्क है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है थोड़ा वर्डिंग छोटा हो, हम नेक्स्ट बार से जो है इसको थोड़ा बड़ा और कर लेंगे, हमारे पास जगह खूब है इसके, ये क्लियर है। अब देखो जितना कुछ पढ़ा वो तो पढ़ोगे पढ़ोगे और इस इमेज को अपने पास रख लोगे, तो एग्जाम में सिर्फ ये इमेज देखी और सब कुछ वापस रिविजन, ये रिविजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम माइंड मैप, क्लियर है। हाँ इस हिंदी भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी भी मिलेगा रोहित जी नूरी जी, हिंदी भी मिलेगा, आप उसकी कोई चिंता मत करो, ये सभी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है और सभी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ग्रेडअप के सुपर प्लान का ये फर्क है, सोचो 4,000 रुपये में मैं आपको नोट्स के साथ साथ हम लोग जो आपको रिवीजन का भी पार्ट दे रहे हैं, और ऐसा रिवीजन मिलेगा तो फिर तो कोई भी एग्जाम हो आराम से क्लियर होगा, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से, जल्दी से फिनिश करते हैं आज के इस क्वेश्चन के साथ में हम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, निम्न में से कौन से जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं है नहीं रहे हैं, डॉक्टर बलराम जाखड़, डॉक्टर रमेश ठाकुर रामेश्वर ठाकुर, डॉक्टर भाई महावीर और न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए फटाफट से। यह आज हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि हमने डिस्कशन करते करते क्या हो गया बहुत लंबा चला गया, तो थोड़ा पार्ट हो गया ये, हम कोशिश करेंगे। एक चीज मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, हमारा जो ये अप्रोच है जिसमें हम क्वेश्चन के साथ इसको डिस्कस करते हैं, ये आपको ज्यादा बेटर लगता है या फिर मैं आपको नॉर्मल इस तरीके से पढ़ाऊं कि आप लोग जो है मैं क्वेश्चन के आंसर दे दूं और दो चार पॉइंट बता के आगे बढ़ूं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल कर सके, कौन सा अप्रोच आपको सही लग रहा है ना। अगर ये वाला अप्रोच अच्छा लग रहा है तो ए लिख दीजिए या फिर यस इस तरह से लिख सकते हैं जो हम अभी आप ले रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं हमें तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं 10-12 क्वेश्चन एक ही क्लास के अंदर करने हैं, और आप हमें 3-4 पॉइंट बता दीजिए। विकास जी कह रही है अच्छा है, नूरी जी कह रही है अच्छा है, कम क्वेश्चन चाहिए अप्रोच सही है, प्रिंस जी कह रहे हैं यही सही है, ठीक है जुबेर जी ये बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन चाहिए विकसिका जी को, ठीक है हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा जो है इसमें डिस्कशन कंप्लीट करें और थोड़े और क्वेश्चन इसके अंदर डालें, ए बोल रहे हैं ठीक है, बेपरवा बालक जी बोल रहे हैं ए ठीक है, मतलब ये अप्रोच सही है ना, चाहे मतलब मैक्सिमम 5 क्वेश्चन करें लेकिन एकदम उसके साथ आपके एक्स्ट्रा टॉपिक भी क्लियर हो जाए ट्रिक्स के साथ, तो वो ज़्यादा अप्रोच सही है ना जी, ठीक है इसी अप्रोच को रखेंगे हम, कोशिश करेंगे एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तक जाएं, आज बस इसको यहाँ पे हम फिनिश करेंगे, लेकिन हमें ये याद भी तो करना है इसका आंसर बिल्कुल, ये आपका न्यायमूर्ति जो है अंशुमान सिंह है, लेकिन वर्तमान अगर आनंदीबेन पटेल को काउंट करें तो 29 जो है आपके गवर्नर राज्यपाल जो है मध्य प्रदेश में आ चुके हैं, 29 नाम याद कैसे करोगे, याद कैसे करोगे 29 नामों को, यही तो जरूरी है इसी, यही तो स्पेशलिटी है इस क्लास की, 29 नाम याद कैसे करोगे, और 29 नाम के लिए फिर से एक स्टोरी हाजिर है, ठीक है ना, 29 नाम के लिए क्या फिर से एक स्टोरी हाजिर है, मेरे पास ऐसी खूब स्टोरी है हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपको याद मैं करा दूंगा, आपको याद करना पड़ेगा चाहे किसी भी बोर्ड का आप एग्जाम दे रहे हो, बस आपके लिए हर एग्जाम आसान है, क्लियर। चलिए कहानी सुना देता हूँ, लिख भी दिए मैंने यहाँ पे, सीतारमन हरी के पास रेड रेड दीक्षा लेने गए, क्या हो गया, सीतारमन हरी के पास रेड दीक्षा रेड लेने गए, तो उन्होंने देखा कि संत
सत्यवांचू जो नाच होता है, नाच कई तरह के होते हैं ना, नृत्य कई तरह के होते हैं, उसमें से सपोज करो कि एक ये नाच है सत्यवांचू नाच करके दया सिंह, दया सिंह दया चांड ओजा चांड का सरल डांस कर रहे थे। क्लियर, क्लियर है ना यहां तक? चलिए, तो महमूद अली सफी कुरैशी के भाई वीर के पास गए और वहां जाकर क्या देखते हैं वो, कि राम कृष्ण बलराम रामेश्वर नरेश राम नरेश कोहली आनंद से टंडन कर रहे हैं। मार्किंग जो वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने अंडरलाइन कर दी है। अगर आपके लिए वर्ड बहुत छोटे आ रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बार जो है नेक्स्ट क्लास से जो है थोड़ा फॉन्ट और बड़ा कर दिया जाए। हालांकि मैं भी देख पा रहा हूँ कि इसमें आ तो रहा है, लेकिन अगर फिर भी स्टूडेंट वाइज होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है इसको और थोड़ा फॉन्ट जो है बड़ा कर देंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टोरी क्लियर है ना, ऐसे याद रह जाएगा आपको स्टोरी। क्योंकि तो अगर मैं वर्ड के लेटर से बनाऊंगा ना तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, वैसे अगर सिंगल सिंगल लेटर बना के दे दूं तो उसको याद करने से बहुत थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैंने एक स्टोरी बनाई है इसके लिए कि सीतारमन हरि के पास रेड दीक्षा रेड लेने गए और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सत्यवांचू जो है, सत्य जो पर्सन है, एक वांचू नृत्य कर रहे हैं और ना वांचू नाच करके दया सिंह दया सिंह दया चांड ओजा चांड का सरल डांस कर रहे हैं। तो ये देख के जो है महमूद अली सफी कुरैशी के पास भाई वीर के पास गए और वहां जाकर क्या देखते हैं कि राम कृष्ण बलराम रामेश्वर राम नरेश कोहली आनंद से टंडन कर रहे हैं। क्लियर? चलो, इस ट्रिक का सेंस क्या है बता देता हूं, कुछ भी मत लिखना, मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ लिख रखा है ऑलरेडी, सिर्फ समझो। सीतारमन से हमारे पहले गवर्नर आ गए, सीतारमन से क्या आ गए, पहले गवर्नर आ गए, ठीक है ना? कौन है? पिता भी सीतारमैया। क्लियर, फैक्ट भी बता रहूंगा मैं आपको साथ साथ में। फिर आ गए हरि, हरि से कौन आ गए, हरि नायक पट्टासर। क्लियर, सेकंड गवर्नर के पास रेड, रेड मतलब ये मिस्टर रेड्डी जी, ठीक है ना, कैसमवल्ली रेड्डी जी। फिर दीक्षा, दीक्षा से हो गया दीक्षित, पहले न्यायमूर्ति जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस बने, ये एक और फैक्ट आपके यहाँ आ गया। क्लियर, कोई डाउट? एकदम क्लियर है ना? चलिए, उसके बाद फिर से रेड, ये वापस से फिर रेड्डी जी आ गए। पहली लाइन क्लियर है, सीतारमन से हमने पांच जो है पार्ट कर लिए, पहली लाइन क्लियर है, आगे चलू? चलिए नेक्स्ट। फिर क्या है, सत्य वांचू नाच, सत्य से सत्यनारायण सिन्हा, वांचू से निरंजन नाथ वांचू, ठीक ना? और नाच ये जो मिस्टर जो पुनाच है ना, सॉरी मिस्टर पुंचा जो है ना, ये जो है आपके तीन नाम हो गए सत्य वांचू नाच से। क्लियर, चलिए। फिर दया सिंह, दया सिंह दया चांद ओजा चांद, दया सिंह से ये देखो, ये मैं मार्क कर देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपके आपको बताऊंगा। दया सिंह से दया सिंह के जो आपका दया वाला पार्ट है, ये तीनों पार्ट एक ही व्यक्ति के लिए है, भगवत दयाल शर्मा के लिए, ठीक है ना? उसके बीच में सिंह जो आ रहा है, ये सिंह जो है जीपी सिंह के लिए है, जो कि दूसरे न्यायाधीश थे जो कि गवर्नर बने, एक्टिंग गवर्नर बने। क्लियर, कोई डाउट? उसके बाद आ गया आपका ये वर्ड चांड, उससे आप क्या याद रखेंगे, के एम चंडी, के एम चांडी। और फिर ओझा से क्या आ जाएगा, एनडी ओझा। और फिर से वापस क्या आ जाएगा, चांडी, के एम चांडी, ये याद हो गया। सरल, सरल से क्या आ गया, सरला ग्रेवाल, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। सरला ग्रेवाल जो है मध्य प्रदेश की क्या है, पहली महिला राज्यपाल है। सबको क्लियर है, कोई डाउट? अच्छे से क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को इसके अंदर। आगे चलू नेक्स्ट। फिर महमूद अली जो कि हमारे कुंवर महमूद अली खान जी थे, है ना, सफी कुरैशी जो कि मोहम्मद सफी कुरैशी जी, सिर्फ नाम से डायरेक्ट क्लियर हो गया, भाई महावीर से आ गया, भाई वीर से आ गया डॉक्टर भाई महावीर, ठीक ना? फिर राम से राम प्रकाश गुप्ता, कृष्ण से कृष्ण मोहन सेठ, बलराम से बलराम जाखड़, फिर राम रामेश्वर से रामेश्वर ठाकुर, राम नरेश की बात करें तो राम नरेश यादव, कोहली से ओम प्रकाश कोहली, आनंद से आनंदीबेन पटेल और टंडन से लालजी टंडन। और अभी का वर्तमान का तो हम सभी को पता ही है कि
कौन है आनंदीबेन पटेल, इसीलिए हमने इसको ट्रिक में ऐड नहीं किया है। सबको क्लियर है ट्रिक? मैंने नाम अगर सब लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना, तो आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं आना चाहिए इसके अंदर। सभी को ये ट्रिक्स क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया, और पसंद आया तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में, और टाइम टू टाइम जो है हमारे साथ जो है जुड़ते रहिए। फैक्ट में मैंने इंपॉर्टेंट इसीलिए बोला था यहाँ पे मार्किंग करते हुए कि अगर आपको क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा सबसे ज्यादा बार जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं, तो भगवत दयाल शर्मा जो है ये 3 बार जो है राज्यपाल बन चुके हैं। इनके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं बना है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बार राज्यपाल। तो ये हो गया आपकी इस सेशन का पार्ट पूरा का पूरा। किसी तरह का डाउट हो गया तो जल्दी से पूछ लीजिए, हमारे पास 5 मिनट है अभी के सेशन के अंदर, फिर हम इस क्लास को क्लोज करते हैं और कल मिलेंगे हम फिर से फिक्स 10 बजे, है ना, इसी तरह से डिटेल में डिस्कशन करते हुए, ट्रिक्स से भरा हुआ एक हमारा सेशन। मिलते हैं कल। कोई डाउट नहीं है तो फिर हम इस क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है ना। आप इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए आपको। थैंक यू वेरी मच विकास जी। जी बिल्कुल, मैं तो आपको जो है क्लास लेता रहूंगा, आप इसी तरह से बस ग्रेडअप के साथ जुड़े रहिए और आपके एग्जाम्स के लिए जो है आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं कल इसी वक्त 10 बजे। आप सभी का दिन जो है अच्छा रहे, यही मेरी शुभकामनाएं, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच।